नमस्कार, स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हरियाणा आज अपना 49वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कर भी की। कुछ देर बाद सीएम मनोहर लाल खट्टर फरीदाबाद में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। साथ ही प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भी अपने अपने शहर में स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करेंगे। हरियाणा की मनोहर सरकार स्वच्छ भारत अभियान की तर्ज पर आज हरियाणा दिवस के अवसर पर स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करने जा रही है। पूरे प्रदेश में आज से लेकर 7 नवंबर तक स्वच्छ भारत को लेकर जनता को जागरूक किया जाएगा। आइए देखते हैं स्वच्छ हरियाणा पर ये रिपोर्ट। आज पूरा प्रदेश 49वां हरियाणा दिवस मना रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पीएम नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान की तर्ज पर प्रदेश में स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करेंगे। हरियाणा दिवस के अवसर पर स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत होगी। ये अभियान 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक चलेगा। हरियाणा का 49वां स्थापना दिवस आज स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत आज से। सीएम खट्टर फरीदाबाद में कार्यक्रम की करेंगे अध्यक्षता। 1 नवंबर से 7 नवंबर तक चलेगा अभियान। राज्य के सभी जिलों में आयोजित होगा ये कार्यक्रम। करनाल से स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज करेंगे शुरुआत। नारनौल से शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा करेंगे अभियान की शुरुआत। जींद से वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु करेंगे शुरुआत। झज्जर से कृषि मंत्री ओपी धनखड़ करेंगे शुरुआत। गुड़गांव से लोक निर्माण मंत्री राव नरबीर सिंह करेंगे शुरुआत। सोनीपत से सामाजिक कल्याण मंत्री कविता जैन करेंगी शुरुआत। हरियाणा दिवस के अवसर पर स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान राज्य में शुरू हो गया है। अभियान का मुख्य उद्देश्य मलिन बस्तियों में स्वच्छता और सफाई है। इस अभियान में राज्य के सभी मंत्री और विधायक भी हिस्सा ले रहे हैं। ये अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा। स्वच्छ हरियाणा के तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने निर्देश दिए हैं कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के तहत अधिक से अधिक टॉयलेट बनाए जाने चाहिए। सांसदों के अपने क्षेत्र में गोद लेने के लिए चयनित आदर्श गाँव से अलग होना चाहिए। कॉर्पोरेट घरानों को भी सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत किसी विशेष क्षेत्र को स्वच्छता के लिए अपनाना चाहिए। गांव में शौचालय के इस्तेमाल को लेकर सर्वे किए जाने का भी निर्देश। कचरे की रिसाइकलिंग के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए। वहीं पूरे शहर के स्कूल, समाज, नगर पार्षद, धार्मिक संस्थाएं, चिकित्सक एसोसिएशन से लेकर मीडिया तक जनता को सफाई के बारे में जागरूक करती दिखाई देगी। प्रदेश की तस्वीर बदलने के लिए सीएम मनोहर लाल खट्टर ने स्वच्छ हरियाणा अभियान की शुरुआत की। अब ऐसे में देखना यह होगा कि इस अभियान से प्रदेश की तस्वीर कितनी बदल पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो मौका है हरियाणा के 49वें दिवस का, लेकिन इस मौके पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हरियाणा में भी हो चुकी है। 1 नवंबर से 7 नवंबर तक ये अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा, हर हलके में चलाया जाएगा। और जैसे जैसे समय, कोशिश यही की जा रही कि प्रदेश की जो एक सूरत अभी तक है उसको और संवारा जा सके। और जैसे ही मनोहर लाल खट्टर पहले ही कह चुके हैं कि वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के जो आदर्श हैं उनको भी फॉलो करेंगे, साथ ही साथ जो उनकी बातें हैं, जो नीतियां हैं पार्टी की, उनका भी आगे प्रचार प्रसार करेंगे। तो वही कहा जा सकता है कि प्रदेश में भी अब स्वच्छ हरियाणा अभियान की शुरुआत हो चुकी है। 7 दिन तक ये अभियान चलेगा और कोशिश यही कि प्रदेश की जो सूरत है उसको और संवारा जा सके। आज फरीदाबाद से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस अभियान की शुरुआत करेंगे और फरीदाबाद से हमारे सहयोगी राजेंद्र धैया हमारे साथ फोन लाइन पर यहां जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, किस तरह का अभी नजारा यहां देखने को मिल रहा है? कुछ ही देर बाद स्वच्छ हरियाणा अभियान की शुरुआत की जाएगी पारंपरिक रूप से। देखिए, यहाँ पर शुरुआत कर दी गई है मुख्यमंत्री द्वारा स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान की, और एक इन्होंने पोर्टल भी नेट पे डाला है अपने हाथ से, उसका शुभारंभ किया है ताकि किसी की कोई समस्या है सफाई के संदर्भ में वो अपना सुझाव भी दे सकता है और अपनी
कंप्लेंट भी वहां पे दर्ज करा सकता है। यहाँ पर काफी सारे लोग इकट्ठे हुए हैं जिसमें डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी भी बहुत बड़ी संख्या में अपनी झाड़ुओं को लेकर यहाँ पर सफाई के अभियान में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। काफी तादाद में यहाँ लोग जो इस अभियान के तहत पहुंचे हुए हैं। जी जी बिल्कुल राजेंद्र, साथ ही साथ जिस तरीके से कोशिश एक अब यहाँ लगभग शुरू हो चुकी, कवायद शुरू हो चुकी है प्रदेश की सूरत को संवारने की, क्या माना जाए, कहीं ना कहीं जनता की जो भागीदारी है वो काफी अहम रहेगी। जी बिल्कुल मुकुल, मैं आपको बता दूं बिना जनता की भागीदारी के ये अभियान शायद ही सफल हो पाए, क्योंकि हर आदमी को जागरूक होना पड़ेगा। और जिस तरीके से आज यहाँ पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने आम लोगों को ये शपथ भी दिलाई है कि वो खुद भी सफाई रखेंगे और औरों को गंदगी भी नहीं करने देंगे, तो इस तरीके से इन्होंने सफाई अभियान का आज यहाँ से शुरुआत किया है जी। जो बिल्कुल यहाँ पे शुरू भी हो चुका है, लोग अपने अपने काम में यहाँ जो जुट गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र सर तमाम जानकारी के लिए। उस बीच हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अनिल आर्या जी जुड़ चुके हैं। आर्या जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। थैंक यू। आर्या साहब क्या कहना चाहेंगे, स्वच्छ भारत की तर्ज पर अब स्वच्छ हरियाणा अभियान की भी शुरुआत आज कर दी गई है? अच्छी शुरुआत है जी। अगर स्वच्छ भारत की तर्ज पे स्वच्छ हरियाणा भी शुरू हो, स्वच्छ हरियाणा के बाद स्वच्छ जिला शुरू हो, शहर शुरू हो, कस्बा शुरू हो, ये बड़ी अच्छी परंपरा है, अच्छी शुरुआत है। और मैं ये मान के चलता हूँ कि चाहे वो ऑफिसर हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे आम नागरिक हो, हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी कि अगर हम अपने आसपास का परिवेश स्वच्छ रखेंगे, अपने घर आंगन स्वच्छ रखेंगे, गांव स्वच्छ रखेंगे, तो पूरा देश भी स्वच्छ होगा और हरियाणा भी स्वच्छ होगा। एक चीज और देखिए कि जब हम विदेश में जाते हैं तो हमारे अंदर एक भावना जागृत हो जाती है, पहले से हम ध्यान रखते हैं कि नहीं, अगर आप सिंगापुर जाएंगे तो चुंगम लेकर नहीं जाना है, डस्टबिन में कचरा डालना है। ये जो भावना है, ये भावना विदेश के लिए, देश के लिए भी होनी चाहिए। हर आदमी, हर व्यक्ति इस अभियान का हिस्सा बने, भले ही इसको हम इस तरह से नहीं खारिज करना चाहिए कि बीजेपी ने शुरुआत की है या किसी और ने शुरुआत की है, तो बिना किसी राजनीति के, बिना किसी और भाव के इसको नहीं देखना चाहिए। इसको इस भाव से देखना चाहिए कि हमको अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, देश को, समाज को, प्रदेश को, गाँव को, कस्बे को स्वच्छ रखने के लिए काम करना है। बिल्कुल अनिल जी, जिस तरह आपने कहा कि हम अगर कहीं बाहर जाते हैं तो कोशिश ये करते हैं गंदगी ना फैलाएं, लेकिन अगर अपने ही इलाके की बात करें, अपने ही शहर की बात करें, क्या कुछ ऐसे यहाँ कानून की जरूरत है जिसके डर से ही शायद जो स्वच्छता है वो बरकरार रखी जा सके? देखिए कानून है, आप जो दीवारों पर पोस्टर चिपका दिए जाते हैं जी, या वॉल पेंटिंग कर दी जाती है, इस सबके लिए कानून है, आप दीवारों को भद्दा नहीं करेंगे, बदल नहीं करेंगे, इसके बावजूद हम कितना कानून मानते हैं, सवाल कानून का नहीं है, कानून हर चीज के लिए बन जाएगा जी। जब तक अंदर से स्वतः स्फूर्त हमारे अंदर ये नहीं होगा कि हमको ये नहीं करना है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति, अगर हम गंदगी फैलाने के लिए भी कानून की बात देख रहे हैं, विदेश में जाते हैं डर ये होता है कि विदेश में है कानून में फंस के तो हम दिक्कत हो जाएगी, लेकिन अपने देश में बहुत अच्छी शुरुआत की है। शुरुआत ऐसा नहीं, हम स्कूल टाइम में जब थे हमें अच्छे से याद है कि स्कूल में हम वीकली बेसिस पे पूरा ग्राउंड, पूरा स्कूल कचरा खुद साफ किया करते थे। उसके अलावा 2 अक्टूबर को स्कूल के साथ पूरे के पूरा स्कूल जाकर हरिजन बस्तियों की सफाई किया करते थे। ये चीज पहले भी थी, बीच से फिर शुरू हुई है, अच्छी बात है। इसमें किसी कानून की बजाय अगर स्वतः स्फूर्त चाहे एनजीओ हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे सोसाइटी को लीड करने वाले दूसरे लोग हो, वो इसको डे टू डे एक सेरेमोनियल बन के ना रह जाए, सेरेमोनियल बन गया खत्म हो गया, वो नहीं होना चाहिए जी। तो लगभग हर तबके को इस अभियान में अपनी भागीदारी जो है वो जतानी होगी। बिल्कुल जतानी होगी, हर तबके को, हर उम्र को। बिल्कुल अनिल आर्या जी, ये तो बात हुई गरी की, सड़कों की, लेकिन अगर विभागों की बात करें हरियाणा की, तो खास तौर से उसमें भी भ्रष्टाचार जैसी जो गंदगी है वो अभी तक व्याप्त है, उसके लिए क्या माना जाए, मनोहर सरकार जो है उसके लिए भी कुछ उपाय कर पाएगी? देखिए हम अगर इनकी नियत पे शक ना करें, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई वजह नहीं है कि जिसमें कोई सवालिया निशान खड़े किए जाए, लेकिन जिस ढंग से मोदी ने कहा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसी तर्ज पे खट्टर मंत्रिमंडल के, मनोहर मंत्रिमंडल के लोग या मंत्री कह रहे हैं, अगर इसी बात पे टिके रहते हैं और ये परंपरा चलती रही तो मैं मानता हूँ कि काफी हद तक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। अब जो लोग कभी आए हैं, जो ऑफिसर दिए गए हैं, बड़े छाट के लिए गए जिनकी छवि साफ है, तो मुझे लगता है कि मनोहर सरकार की नियत तो ठीक है और वो नियत कितनी आगे चल के कामयाब होती है देखना ही होगा। जी बिल्कुल अनिल नारी जी, एक अंतिम सवाल आपसे यहाँ जानना चाहूंगा, जिस तरीके से कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पर गतिविधियां जो हैं उसमें सक्रिय बीजेपी हो चुकी है पूरी तरीके से और कोशिश यही कि जनता को भी सक्रिय किया जाए, तो क्या ये आने वाले सालों के लिए एक प्लानिंग कही जा सकती है बीजेपी की, या सिर्फ सामाजिक रूप से इस तरह की जो गतिविधियां हैं उनमें सक्रिय हो रही है? देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो मानस है, जो उनके संस्कार है, जो उनको पोषण मिला है, वो उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ आरएसएस का है जी। जो संघ से लिखे हुए लोग हैं, संघ की विचारधारा के लोग हैं, उस परंपरा को जो पोषित करते हैं,
वो स्वतः ही समाज समझ चुके होते हैं, क्योंकि वो एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन माना जाता है जी। तो देश और समाज और राष्ट्र के लिए काम कर रहा है। तो मुझे लगता है इन माध्यम से, इस ढंग से बीजेपी या सरकार लोगों से जुड़ रही है, लोगों के बीच में जा रही है, उसकी इससे साख भी बढ़ेगी। और हाँ, हम इस बात को मान सकते हैं कि अगले चुनाव या आने वाले दिनों के लिए एक सकारात्मक रवैया रहे जनता का, और जो काम सरकार करे उसका सकारात्मक मैसेज जाए, एक प्रयास भी हो सकता है। ये प्रयास लगातार जारी रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप शुरुआत में आए तो आपने ज्यादा तेजी दिखाई और बाद में बैठ गए। कहा है ना कि नया नया मुल्ला बड़ी तेजी से ऊंची आवाज में बांग देता है, वो ना हो, इसमें निरंतरता हो। जी बिल्कुल अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निरंतरता जरूरी है, ये नहीं कि सिर्फ एक सप्ताह के लिए स्वच्छता अभियान चला दिया गया और उसके बाद जो गंदगी है वो प्रदेश में देखने को मिले, तमाम शहरों में हल्कों में। अगर ये अभियान की आज शुरुआत हो रही है तो कोशिश यही कि ये लगातार चलता रहे, क्योंकि इससे पहले भी जो स्थिति हरियाणा की हमारे सामने रही है वो कुछ खास अच्छी नहीं रही है। लेकिन अब यहाँ पर जिस तरीके से हरियाणा को जो सूरत है उसकी बदलने की बात कही जा रही है, उसको संवारने की बात कही जा रही है, देखना यही होगा कि मनोहर सरकार उसमें कितनी सफल रहती है। और हमारे सहयोगी अनिल मोर भी हमारे साथ फोन लाइन पर यहाँ जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या माना जाए जिस तरीके से मनोहर सरकार अब एक यहाँ पर स्वच्छता अभियान में जुट चुकी है, ना सिर्फ जो केंद्र की नीति है, बीजेपी की जो नीतियां थी वो अब प्रदेश में आनी शुरू हो चुकी है, क्या माना जाए और भी जो विकास है वो अब प्रदेश का हो सकेगा? देखिए मुकुल, मैं अगर आपको बात बता दूं, 1 नवंबर की मैं खास कर बात करूं, 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना था तब के बाद से हरियाणा डे मनाया जाता है 1 नवंबर को। लेकिन इस दिन की बात करें, इस दिन सिर्फ स्कूल में कल्चरल फंक्शन होते हैं लेकिन लोगों में इस दिन को लेकर खास उत्सुकता नहीं होती। लेकिन मनोहर लाल खट्टर सरकार की बात करें, खट्टर सरकार इस दिन को भी मनाना चाहते हैं। खट्टर सरकार की तरफ से जो मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, देश भर को स्वस्थ रखना है, देश को साफ रखना है, देश में स्वच्छता प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से आज हरियाणा में स्वच्छता प्रोग्राम गया, ये 7 नवंबर तक चलेगा। हालांकि इसका सीधा सीधा मकसद यही है खट्टर सरकार का, इस दिन के जरिए जो हरियाणा के वासी है, जितने भी हरियाणा प्रदेश वासी है, उनको पार्टी से जोड़े, क्योंकि सीधा सा मतलब है कि अगर आप स्वच्छता कार्यक्रम करते हो, लोगों के बीच जाकर सफाई करते हो, जितने भी मंत्री हैं, कैबिनेट के जितने मंत्री हैं, जितने भी विधायक हैं, सभी के अपने अपने इलाकों में ड्यूटियां लगा दी गई है, सभी इस दिन आज जनता के बीच जाएंगे, स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। अगर आप जनता के बीच इस तरह के कार्यक्रम लेकर जाते हैं तो जनता का सीधा सीधा संवाद सरकार से होता है, जनता सीधा सीधा सरकार से जुड़ती है। तो इसी कड़ी को देखते हुए मनोहर लाल खट्टर सरकार ने जो 1 नवंबर का दिन था, पहले के 1 नवंबर होते थे महत्व हरियाणा डे के तौर पर मनाए जाते थे, स्कूलों में सरकारी कार्यक्रम होते थे, कल्चरल एक्टिविटी होती थी, लेकिन जनता का उतना लगाव, उतना जुड़ाव नहीं होता था। लेकिन अब की बार मनोहर लाल खट्टर सरकार ने 1 नवंबर से लोगों का जुड़ाव सरकार की तरफ करने का ध्यान दिया। उनका सीधा सा मतलब ये है कि जब आपके विधायक, आपके मंत्री जनता के बीच जाएंगे, स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, तो सीधा सीधा लोगों का संवाद सरकार से होगा। जी बिल्कुल अनिल, लेकिन साथ ही साथ एक सवाल यहाँ उठता है कि एक सप्ताह के लिए तो ये स्वच्छ अभियान की शुरुआत कर दी गई, लेकिन उसके बाद क्या, जो उसके बाद की स्थिति है उससे भी निपटने के लिए शायद मनोहर सरकार को कुछ अपना प्लान तैयार रखना पड़ेगा, क्योंकि निरंतरता जो है वो बेहद जरूरी है अगर आपको वाकई स्वच्छता चाहिए। बिल्कुल, देखिए हमें पिछले दिनों के कुछ बैकग्राउंड में जाना होगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत की थी तब काफी मीडिया, बीजेपी के चाहे केंद्रीय मंत्री हो चाहे सांसद हो, मीडिया में काफी छाए, लेकिन हाल में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर एक नकारात्मकता दिखाई। उन्होंने कहा कि जितने बीजेपी के एमपी है वो स्वच्छता कार्यक्रम मीडिया के जरिए तो दिखा लेते हैं लेकिन खुद इतना निष्क्रिय हो जाते हैं कि उनको इस कार्यक्रम को भूल जाते। तो वही बात मनोहर लाल खट्टर सरकार में देखने को मिलेगी, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर सरकार को चाहिए कि वो जिस टाइम एक हफ्ता तो मना रहे, एक सप्ताह तक ये कार्यक्रम चलेगा, लेकिन एक सप्ताह के बाद क्या होगा? क्योंकि अगर बात करें मेट्रो सिटीज की, बात करें छोटे शहरों की, बात करें वहां पर जगह जगह कूड़े के ढेर लगे रहते हैं, जगह जगह सफाई अभियान चलाए तो जाते हैं लेकिन उसका इतना असर देखने को नहीं मिलता। बात आए अब निरंतरता की, निरंतरता आप किस तरह रखते हैं, किस तरह जो सफाई कर्मचारी उनकी ड्यूटियां किस तरह लगाते हैं, लोगों को किस तरह जागरूक करते हैं, जो एक सप्ताह का ये पूरा कार्यक्रम है इसमें सफाई के कार्यक्रम तो चलेंगे लेकिन साथ ही साथ लोगों को जागरूक किया जाएगा सफाई को लेकर। जी बिल्कुल, लोगों को जागरूक यहाँ किया जाएगा और कोशिश यही कि प्रदेश की सूरत को संवारा जा सके। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनिल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें आज हरियाणा दिवस के मौके पर 49वां दिवस है हरियाणा का, और इसी मौके पर प्रदेश में स्वच्छ हरियाणा अभियान की शुरुआत कर दी गई है। कोशिश की जा रही है कि प्रदेश की सूरत को और संवारा जा सके और उसको सुंदर बनाया जा सके। और यहां पर ही हमारी पेशकश जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल यहां रुकने के छोटे से ब्रेक के लिए। विपक्ष चुनाव से पहले वायदे करता है, सरकार भी करती है दोबारा आने के लिए, लेकिन वो वायदे सिर्फ वायदे रह जाते हैं, तो फिर ऐसे में क्या?
दुर्भाग्य है कि लंबे समय से राजनीतिक दलों के काम का आकलन उनके घोषणा पत्र के आधार पर नहीं किया गया और बहुत सारे वायदे वह कागजों की धूल एक प्रकार से धूल खाते रहे। और कांग्रेस ने हरियाणा प्रदेश में तो विशेष रूप से 10 साल पहले तीन साल में 24 घंटे बिजली देने का वायदा किया था और अनेकों ऐसे वायदे हैं जो आज अंतिम कैबिनेट की बैठक या अंतिम विधानसभा के सत्र में पूरा करके दिखाने की कोशिश की तो यह स्वीकार किया एक प्रकार से कि हमने 10 साल आपके साथ धोखा किया। सस्ते के चक्कर में निकाल दिया कचंबर कपड़ों का, पैसे भी तो बचाने थे। सस्ते का छोड़ो बुखार, अब आपके बजट में निखार। निखार डिटर्जेंट पाउडर व बर्तन बार। कुछ सीधे सवाल, कुछ तीखे सवाल, आपसे जुड़े हर मुद्दे पर हम करेंगे सवाल। सवालों के चक्रव्यूह में होंगी कुछ खास शख्सियतें, देखना ना भूले चक्रव्यूह मेरे साथ। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल, हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलन करता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK इंटरनेशनल स्कूल, नर्चरिंग योर फ्यूचर टुडे। लार्जेस्ट कैंपस, मोर देन 1800 स्टूडेंट्स, वेल इक्विप्ड वर्कशॉप्स एंड लैब्स, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है स्पेशल रिपोर्ट में। स्पेशल रिपोर्ट में हम यहाँ बात कर रहे हैं स्वच्छ हरियाणा की। दरअसल स्वच्छ भारत की तर्ज पर भी स्वच्छ हरियाणा अभियान प्रदेश में आज से शुरू हो चुका है। दरअसल आज हरियाणा अपना 49वां स्थापना दिवस मना रहा है और इसी मौके पर आज शुरुआत अब प्रदेश में स्वच्छ हरियाणा अभियान की भी हो चुकी है और इसके लिए बाकायदा ना सिर्फ मनोहर लाल खट्टर फरीदाबाद से शुरुआत कर चुके हैं बल्कि करनाल से स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी इस अभियान की शुरुआत करेंगे। वहीं नारनौल से शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा भी इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे। जींद से वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी इस अभियान की शुरुआत करेंगे तो झज्जर से कृषि मंत्री ओपी धनखड़ भी ये अभियान यहां पर शुरू करेंगे। गुड़गांव से लोक निर्माण मंत्री राव नरबीर सिंह इस अभियान की शुरुआत करेंगे तो सोनीपत से सामाजिक कल्याण मंत्री कविता जैन भी इस मिशन का हिस्सा होंगी। आपको बता दें स्वच्छ हरियाणा अभियान की शुरुआत आज से हो चुकी है और 7 नवम्बर तक यानी 7 दिनों तक प्रदेश में ये लगातार जारी रहेगा अभियान। कोशिश यही की जा रही है कि प्रदेश की सूरत को बदला जा सके और जिस तरीके से लगातार कॉर्पोरेट घरानों के सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत किसी विशेष क्षेत्र की स्वच्छता के लिए जाना जाता है, कोशिश यही कि प्रदेश को एक बार फिर सुधारा जा सके, बदलाव लाया जा सके। इस बीच हमारे साथ बीजेपी नेता रेणु भाटिया जी जुड़ चुकी हैं फोनलाइन पर। रेणु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी शुक्रिया। रेणु जी क्या कहना चाहेंगे, अब प्रदेश में भी स्वच्छता अभियान की शुरुआत हो चुकी है, स्वच्छ अभियान आज शुरू हो चुका है। देखिए हमारे प्रदेश का सौभाग्य है कि हमारे देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिन्होंने ये नेतृत्व शुरू किया, जिनके नेतृत्व में आज प्रदेश में भी सफाई अभियान की शुरुआत हुई।
जी। और हमारा उससे भी बड़ा सौभाग्य है कि हमारे को ऐसा मुख्यमंत्री मिला जिन्होंने इस अभियान को नया रूप देकर और तीव्र गति से इसको पूरे हरियाणा में करने के लिए आदेश लागू किए। जी। क्योंकि जब भी हम कोई अस्पतालों की बात करते हैं, बीमारी की बात करते हैं, तब हमेशा दिमाग में एक ही बात आती है कि हमारे यहाँ स्वच्छता नहीं है। आप देखें कि पिछले दिनों में जहाँ पर भी पोलियो अभियान और कुछ इस तरह की बात चलाई गई, स्वच्छता उसमें मुख्य रूप से मुद्दा था। और स्वच्छता न होने के कारण डेंगू जैसी बीमारियों ने पिछले वर्षों में कितना प्रकोप अपना फैलाया था। जी। तो अगर स्वच्छता को हम अपना माध्यम बनाएंगे, स्वच्छता को हम अपने जीवन की शैली बनाएंगे, तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा भारत रोग मुक्त हो सकता है, रोग मुक्त हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जी, जाहिर तौर पर चीज एक, लेकिन फायदे अनेक हैं इसके। देखिए, इसको बहुत लोग हल्के में लेते थे, छोटी बात कहते थे। प्रधानमंत्री जी ने जब शौचालयों की बात लाल किले के झंडे से की तो लोगों ने, खास तौर से ऑपोजिशन ने, इस बात को तूल दिया कि इतना बड़ा प्रधानमंत्री होकर, भारत का प्रधानमंत्री होकर आज विश्व पूरा सुन रहा है और इतने बड़े लाल किले से शौचालयों की बात करता है। परंतु उन्होंने उसकी गहराई को नहीं समझा, क्योंकि ऑपोजिशन का काम है केवल गलत बात करना। और भारतीय जनता पार्टी जब ऑपोजिशन में होती थी तो भारतीय जनता पार्टी उन चीजों को गलत कहा करती थी जो कि, जी बिल्कुल। रेणु जी, आपको यहाँ कुछ देर के लिए रोकना चाहेंगे। करमचंद शर्मा जी हैं कांग्रेस से, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करमचंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज में। करमचंद जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो फिलहाल संपर्क हमारा यहाँ नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर रेणु जी के पास चलते हैं। रेणु जी, जिस तरीके से आप कह रही थी कि अपोजिशन में रह के भी बीजेपी ने कोशिश की कि जो स्थिति है उसको बरकरार रखा जाए, लेकिन अब जिस तरीके से इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन 1 से 7 नवंबर तक ये अभियान चलाया जा रहा है, उसके बाद सवाल उठता है कि उसके बाद निरंतरता इस अभियान में रहेगी कि नहीं। ये एक बड़ी सिंपल सी बात है, हमारे लोगों को ना आदत नहीं थी स्वच्छता की। जी। हमारे लोगों को आदत नहीं थी नियम प्रस्त काम करने की, क्योंकि 60 वर्षों की कांग्रेस सरकार ने कभी ऐसा कोई मौलिक अधिकार समझकर कोई कार्य किया ही नहीं। इसीलिए जनता भी अभी आदी नहीं है इन सब चीजों की। लेकिन जो ये अभियान शुरू हुआ है, ये आप स्कूल कॉलेज जाते हैं तो आपका कॉलेज स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद ये तो नहीं ना एक एक बात आपको कही जाती है। उसके बाद आप स्वयं इंग्लिश के पीरियड में इंग्लिश की क्लास में जाते हैं, हिंदी के पीरियड में हिंदी की क्लास में जाते हैं। तो ये एक शुरुआत है जो भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्र स्तर पर आज की है, जिसको हम एक नियम बना लेंगे, अगर जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे तो वो लागू हो जाएगा। बिल्कुल रेणु जी, लेकिन इस अभियान से जनता कितनी जागरूक होगी, क्योंकि शुरुआत जनता से ही होनी है। जी, और जनता का धर्म बनता है, जनता का फर्ज बनता है कि जो ये अभियान चालू किया गया इसको वो स्वयं कंटिन्यू रखे, लागू रखे, ताकि भारत में स्वच्छता एक बाकी चीजों की तरह एक सब्जेक्ट बन जाए, हिस्सा बन जाए हमारी जिंदगी का, कि हमें अगर सुबह उठना है तो पहला दायित्व हमारा स्वच्छता की ओर जाए, अपने आसपास, अपने घर से शुरुआत करें, अपने आंगन अड़ोस पड़ोस में करें, फिर अपने आसपास के पार्कों में करें। जी बिल्कुल, ये जरूरी है कि इस अभियान को ना सिर्फ अभियान रहने दिया जाए बल्कि एक नियम इसको बना दिया जाए। रेणु जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी प्रदेश महामंत्री रेणु भाटिया जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन आपको बता दें आज हरियाणा अपना 49वां स्थापना दिवस मना रहा है और इसी मौके पर प्रदेश में स्वच्छ हरियाणा अभियान की शुरुआत भी कर चुके हैं मनोहर लाल खट्टर, साथ ही साथ उनका मंत्रिमंडल भी इस अभियान में जुटा हुआ है। लेकिन देखना ये होगा इस अभियान को, जिसकी कवायद यहाँ शुरू हुई है, मुहिम जो यहाँ शुरू हुई है, कब तक चलती है, क्या वाकई इससे प्रदेश की सूरत बदल पाएगी या नहीं। तो फिलहाल के लिए स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।